देखिए, ये इसमें दो तरह के अक्वाल हैं कि ख्वातीन के लिए अंगूठी जो है वो आया आर्टिफिशियल में सोने चांदी के अलावा दूसरी अंगूठी पहनना जायज़ है या नहीं है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि खालिसतन लोहे की अंगूठी तो जायज़ नहीं है, उसमें अगर कोई दूसरी चीज़ है जैसे पीतल है, लोहा है, चांदी है वगैरह थोड़ा बहुत मिक्स करके एक सी कोई अंगूठियां बनाई जाए तो वो तो जायज़ है, खालिसतन लोहे की जायज़ नहीं है। इसलिए कि हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने किसी के हाथ में जो है वो अंगूठी लोहे की दिखी तो आपने फरमाया कि ये आग की अंगूठी है, तो इसलिए इससे खालिसतन लोहे की अंगूठी पहनना तो ये मुनासिब नहीं है। अलबत्ता अगर वो आर्टिफिशियल दूसरी चीजें उसके साथ मिला दी जाए तो फिर इसकी गुंजाइश है, और दीगर जो ज्वेलरी है वो पहन सकती है। बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, वो उस वाक़े के साथ ही खास था कि जिस वाक़े में, क्योंकि उस शख्स के बारे में या उस खातून के बारे में शायद ये इलम हो गया था कि वो ज़कात अदा नहीं कर रही थी या उन्होंने वो चीज़ जो है वो किसी गलत जगह से हासिल की थी, लिहाजा इसमें दोनों अकवाल है। बेहतर तो यह है कि खालिसतन लोहे की अंगूठी इस्तेमाल ना की जाए, उसके साथ दूसरे धात को इस्तेमाल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए तो फिर वो बेहतर।